क्या हुआ था? चोट लगा? बहुत कुछ है जो मुझे देखना बाकी है। वो सारे बॉक्सेस में क्या है? हम लोग का पूर्वज लोग वापस आ जाएगा। एवरीवन गुड इवनिंग। आखिर वो पल आ ही गया जिसका हम लोग सालों से इंतजार करते हैं ना। तो आज 24 दिसंबर और हम लोग जा रहे गाँव और ये मेरा पहला क्रिसमस होगा मेरा ससुराल में। तो अभी हम लोग का निकल रहे, हम लोग 3:30 बज रहा है अभी। तो देखते हैं हम लोग गांव कितने बजे पहुंचते हैं। मतलब हमको लगता है रात तो हो ही जाएगा क्योंकि गांव तो बहुत दूर है हमारा। पकड़िए तो थोड़ा सा। तो फिर मिलते हैं हम लोग, आप लोगों को भी दिखलाते हैं हम मेरा पहला ससुराल में क्रिसमस कैसे मनाते हैं हम, है ना। कैसे लग रहा है हम तुम्हारे साथ इस बार क्रिसमस मनाएंगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। खुश हो? बहुत ज़्यादा। नौटंकी। तो फिर चलिए मिलते हैं और आप लोगों को भी दिखलाते हैं मेरा पारिश। पहले मेरा मांडर पारिश था, अब मेरा कुद्दा पारिश हो गया पोकला। तो मिलते हैं, बाय बाय। तो फिलहाल हम लोग 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद पहुँच गए हैं। मतलब हम लोग NH 33 को छोड़ दिए और एक डोरिया करके एक जगह पड़ता है, वहाँ से हम लोग घुस के जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग छूटी होके जाएंगे। तो अभी देखते हैं, सूरज तो डूब गया है और कितना टाइम लगेगा। लग तो रहा है रात हो ही जाएगा। हम लोग पैक होके जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग तेल डलाने के लिए गए। हम लोग का तेल भी ख़त्म हो गया था, मतलब आधा तेल था और यहाँ तक आते आते हम लोग का तेल डाउन हो गया। फुल टंकी करा रहे हैं, मिलते हैं आगे, बाय। रास्ते में आते वक्त यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया। हम खूटी पहुँचने वाले हैं थोड़ी दूर में, और 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे कोई गिरा हुआ था तो फिर पतिदेव गए हैं। अभी जाते हैं, थोड़ा देखते हैं। को अंदर करो जी, चलो अंदर करो। क्या हुआ था? क्या हुआ था? चोट लगा? सरकार में चला किलो डोलो सरकार वाला था। अच्छा, चोट वोट तो नहीं लगा था ना? चलो ठीक है। प्रेयर हो रहा है, छोड़ा तो पूरा जगमग जगमग चमक रहा है, पूरा तरक्की कर रहा है रे, रांची से भी बेहतर। तो फिलहाल ये खूटी है, खूटी वाले कौन कौन है कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। तो साढ़े छः बज गया और हम लोग अभी तोरपा पार कर रहे हैं। तो लगभग 7 बजे हम लोग पहुँच गए पोखला और यहाँ पे हम लोग थोड़ा रोल वोल खा रहे हैं, पार्सल करा रहे हैं। एक्चुअली मेरी बुआ सास यहाँ बगल में रहती है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं ना, साथ में रोल वगैरह खाएंगे, उसके बाद फिर गांव के लिए निकलेंगे हम लोग। वैसे चर्च तो यहीं पे है पोखला में, लेकिन हम लोग तो सुबह में आएंगे चर्च में। हम लोग ज़्यादा ज़्यादा थक जाएंगे और काफ़ी अंधेरा हो ही चुका है, लगभग सुनसान भी हो गया है, कानू कान बंद हो गया है। लेकिन थैंक गॉड यहाँ पे एक अंडा दुकान है, अंडा दुकान नहीं चाइनीज वाला चिल्ली चाउमीन का दुकान है, तो हम यहीं पर खा लेते हैं। उसके बाद फिर बुआ लोग से मिल लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे गाँव। पहुँच गए हैं। इधर आना। तुम बोलो ना, हमको सर हमारा है। ये है सोनल, आप लोग तो जानते ही इनको, और वो है हरप्रीत, वो मेरा छुटकू देवर है, हैंडसम बॉय। और ये मेरी ननद, अब फूआ फूफा उधर है किचन में। तो हम लोग क्या बोले, हीटर का मजा ले रहे हैं बैठ के, जूता। और इधर अर्पित बाबू का जूता सूख रहा है, अभी चर जाएगा ना बाबू। और सोना मत, प्रेयर करना।
सोएगा कि प्रेयर करेगा बता तो? सोने जा रहे सोने जा रहे हैं बोल रहे इस तरह से हमारा मेहमान नवाजी हो रहा है। चल देखो तो हेलो गाइस, तो गांव आ जाओ गाइस, यही सब सेवा मिलता है गाइस। चलो हम बाद में धोएंगे, चलो हो जाए। आप लोग से बाद में बात करेंगे गाइस, और हम नहीं रहेंगे उसमें। ये हमारा छोटकू ड्राइवर जो कि जब शांत रहता है एकदम शांत रहता है, और जब बकबक करता है इतना बकबक करता है क्या ही बोले। और इधर मेरे लोग लाइव आया है मेरा आईडी से, और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है लोग। हाय गाइस, तो देख लो आप लोग भी ब्लॉग में आने वाले हो। पर क्लियर नाम नहीं दिख रहा है। हाँ तो ब्लॉग में आने वाले नाम है आभा मारिया। अरे आभा दी है वो। हाँ आभा मारिया डुंग डुंग नहीं आभा मारिया। हाँ सब सभी कोई आर के कुमारी तिगा रोजली हाँ ये सब लोग आएगा, सब कोई आने वाले आप लोग। तो इस तरह से फटाका छुरछुरिया जलाने आई है ये लोग, क्योंकि लीजेंट लोग ही बम तो फोड़ता है। अच्छा, नूब लोग केवल छुरछुरिया। तो इस तरह से जल चुका है माचिस का तिल्ली। तो इस तरह से पहली कोशिश में ये दोनों नाकाम होते हुए बाबू आ जल्दी। देखिए हम अपना नाम लिख लेते हैं SONALI। तेरा नाम लिख देना SONALI। हैप्पी क्रिसमस लिख दो। हैप्पी क्रिसमस लिख देते हैं ना SONALI। हैप्पी ये दोनों को देख सकते हैं आप लोग, लीजेंड लोग। तरह से बारी है आलू बम की। ये आलू बम, आलू बम बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इसको? रस्सी बम भी बोलते हैं। तो जलाने के लिए सोनाली खल को यहाँ है। चल दिखा दिखा दिखा। बाबू पहले भाग चुका है उधर, यहाँ पर डर लगता है। किधर भागेंगे? बाबू भाग रहे हैं। इसको देखिए छिप रही है। मेहनत करते हुए नजर आ रही है सोनाली खलको जी, पर जलने में असमर्थ। और हमको देखने बहुत मजा आ रहा है। घुमा घुमा घुमा। तो इस तरह से घने जंगलों को पार करते हुए हम अपना घर जा रहे हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए हम पीछे बैठे हुए थे। लग रहा था पीछे कोई है इसलिए अभी हम ही गाड़ी चला रहे हैं। थोड़ा सामने रहेंगे तो उतना डर नहीं लगेगा। लगभग 9:15 हो रहा है और हम लोग घर पहुंच गए। दादू दादी तो सब लोग सो रहे हैं, छोटी बुआ भी आई है, फूफा भी आए हैं, बाबू भी है, तो वो सब सो रहे हैं। तो हम लोग इधर में, हम लोग को बेड बिस्तर बना हुआ है, दादू बना दिया हम लोग के लिए बिस्तर ना तब। तो अब सोएंगे। बहुत ही खुफिया रास्ता है इधर, खुफिया वाला रूम एक तो देख सकते हो उधर। क्या ही बोलूं, बहुत कुछ है जो मुझे देखना बाकी है।
वो सारे बॉक्सेस में क्या है, जो कि ताला लगा हुआ है। अंदर में बहुत सारे बॉक्सेस हैं बड़ा बड़ा, वो सब भी ताला लगा हुआ है। वो सब मुझे देखना है, मतलब क्या होगा सब में, क्या होगा सब में, जो भी है पूर्वजों का अस्तित्व है। सही में डराओ मत, खोल देंगे तो क्या होगा, हम लोग का पूर्वज लोग वापस आ जाएगा मन से मिलने। नहीं डरवाओ हमको। सही में चाबी कहाँ है उसका? होगा दादी के पास होगा, देगे चाबी मांगने से? तोड़ना पड़ेगा, रस्सा से बांध के उसको छिपा दिया चाबी को। भाग डरवाता है। अच्छा वाला भाग। सही में बहुत सारे राज छुपे हैं जैसे लग रहा है मुझे। ये देख सकते हैं अलमारी भी बहुत खतरनाक लग रहा है। देखिए देखिए, क्या ही बताऊं, डर डर लग रहा है मुझको। तो चलिए अब तो रात हो चुकी है, तो सोते हैं, फिर कल सुबह चढ़ जाएंगे हम लोग। मिलते हैं, बाय।